हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। सो हो गया है अभी घर पूरा क्लीन। नोमान और मैंने मिलके वैक्यूम कर लिए है। आज थर्सडे थी, अभी हम लोगों में बोली कि थोड़ा सा क्लीनिंग कर ले। और डाइनिंग एरिया मैंने थोड़ा चेयर वापस से वहाँ रख दी और ये इधर रख दिया। आप लोग को पता है मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ। अभी थोड़ा सा स्प्रे करते हैं। थोड़ा ये भी साफ करिए, आज बहुत गंदा हुआ था। तो हो गया है अभी सब। मगरिब की टाइम, असर भी हो गई मेरी नमाज। मगरिब का तो टाइम है अभी। अभी बजे है 7:15 और मगरिब को टाइम है, मतलब लाइक मगरिब है 8:30 की। तो अभी मैं थोड़ा सा नमाज वमाज डन हो गई, अभी थोड़ा सा बैठूंगी, थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ और एडिटिंग करना है मुझे। सॉरी, एडिटिंग मैंने कर चुकी हूँ, अभी एडिटिंग शुरू हुई है मेरे मोबाइल में। अब ये जो व्लॉग आएगा, ये वाला जो आएगा वो अगले व्लॉग में आएगा। तो बस मैंने लास्ट व्लॉग से आगे से ही व्लॉग शुरू कर दी थी, जो मेरा वहाँ एंड हुआ था उसके बाद ही मैंने लाइक आफ्टरनून दोपहर से ही शुरू कर दी थी वहाँ, क्योंकि मैंने कुकिंग के टाइम पर छोड़ी थी और उसके बाद से मैंने यहाँ शुरू कर दी थी व्लॉग। मैं आप लोग को थोड़ा सा बाहर का बता रही थी, ये शाम के 7:30-8 बजे का टाइम था। बस फिर फैसल आ गए थे और मैं उतर गई थी। हम लोग जा रहे थे टारगेट, एमन के कुछ सामान लेने थे। चलते हैं टारगेट कुछ सामान लेने। तो बस निकल गए थे हम लोग टारगेट। एमन के सब सामान लेना था, लाइक उसके पाउडर और डायपर, वो सब खत्म हो गया था तो वो सब लेना था। तो हम लोग निकल गए थे फटाफट और वहाँ जल्दी हो गया था। फिर वहाँ से मतलब लाइक जल्दी आ गए थे, बच्चे लोग घर पे ही थे सो हम लोग जल्दी कर लिए थे। और हाँ, मुझे आप लोग से यूट्यूब के बारे में बात करना था। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग बनाऊंगी जब यूट्यूब के बारे में थोड़ा बोलना था, लाइक जो मुझे मालूम होती है मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ। तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, मैं बस सोची कि यूट्यूब के बारे में बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर देखना। आप लोग को तो पता ही होगा ज़्यादातर सबको तो, बट जिस जिनको नहीं पता है उनको भी मालूम पड़ जाए, क्योंकि मैं हमेशा जो मुझे मालूम पड़ता है मैं आप लोग से शेयर करती ही हूँ यूट्यूब के बारे में। सो मैं बोली चलो आप लोग से इंशाल्लाह शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। तो बस पहुँच गए थे टारगेट और उस दिन आसमान का कलर इतना प्यारा लग रहा था, लाइक लाइट ब्लू, और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मतलब अलग ही शेड आ रहा था। और शाम के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे ऐसे ही होता है, लाइट ब्लू, पिंकिश, वाइट, ऐसे ही शेड होते हैं आसमान के, तो बहुत प्यारा लगता है। बस फिर हम लोग टारगेट आए, सब सामान फटाफट ले लिए थे। और बस ये थोड़ी सी वीडियो मैं हमेशा बनाती हूँ, ये कॉटन के जो फ्रॉक्स रहते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के, तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना ही लेती हूँ। और बस फिर मैं आप लोग को यही बता रही थी यूट्यूब के बारे में जो आपसे बात करना था। तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब के बारे में है जो लाइक मुझे अभी अभी मालूम पड़ रही है, मैं आप लोग को बताऊंगी। तो आप लोग भी ऐसे ही इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आप लोग को बताऊंगी जो चीज़ मुझे भी अभी तक वीडियोस बना रही थी और मुझे भी नहीं मालूम था कि ये ऐसा करना है। तो अभी मैं अभी थोड़ा समझ में आया, तो अभी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मेहनत करना और हर चीज़ है कि हर चीज़ ध्यान से करने के बाद भी कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती है, और वो ज़रा सी मिस्टेक के लिए लाइक वीडियो बनाना मतलब ही नहीं रहता है, लाइक इतनी मेहनत करने के बाद भी। बस फिर हम लोग का डन हो गया था और हम लोग निकल गए थे, माशाल्लाह सब ले लिए थे फटाफट और जल्दी से निकल गए थे। फिर बस पहुंच गए थे हम लोग घर पे, और हम लोग के घर के बाहर लाइक ये फ्लावर्स सब उगे हुए, तो मैं बोली थोड़ी सी इसकी वीडियो बना लूँ अभी लाइक न्यू फ्लावर आए, क्योंकि ये सीज़न चेंज होता है तो सब अलग अलग आते ही रहते हैं। यहाँ हो गई थी रात और हम लोग देख रहे थे मूवी। यू बे वेस्ट मामा टेंची। ये तुम्हें थैंक यू। फिर बस यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे इतनी बारिश थी, लाइक मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी माशाल्लाह। तो बस एमन भी उड़ गई थी और इतनी बिजली भी चमक रही थी तो एमन भी घबरा रही थी थोड़ा। फिर उसके बाद हमें नज़ोर की नमाज पढ़ ली थी। डरो ले यार, आई एम प्रेइंग, डोंट गो देयर बाबा। यहाँ मैंने मोबाइल रखी थी तो एमन घड़ी घड़ी कैमरे के सामने आ रही थी और हाय गाइस कर रही थी, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैं उसको हटने बोल रही थी। दो टाइम तो उसने मेरा मोबाइल गिरा दी, मैं नमाज़ पढ़ते रहती और जब ही आती है मुझे सताने तो उसको वहाँ से हाय गाइस, फिर मैं बोली कहीं यहाँ बैठ के हाय गाइस बोलो, तो उसको वहीं कैमरे के सामने ही जाना था। सो ये है आज का वेदर, और आज हम लोग के यहाँ बहुत बारिश हुई थी सुबह से, बस अभी बंद हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। सो आप सबको जुम्मा मुबारक, आज जुम्मा है। मेरा जब व्लॉग आएगा, जब जुम्मा नहीं होगी, सो चलो आप लोग का एडवांस में अगले हफ्ते की भी जुम्मा मुबारक कर दी मैंने। चलो फिर करते काम शुरू। आपको मैंने बताया आज बाहर का वेदर, आज सुबह से बहुत बारिश थी। बस तो अभी ऐसा हुआ कि बारिश अभी थोड़ी बंद हुई है, बट मौसम थोड़ा सा ऐसा लाइक जैसा मैं आप लोग को बताती सुना सुना है वैसे। ये एमन, आज एमन ऐसी गंदी गंदी घूम रही है, अभी उसको चेंज कराना है। Drink it, baby, drink it. Yay! Wow! Take
करती हूँ मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, अभी तो लेट ही सब कुछ होता है, फिर इसके बाद कुकिंग करेंगे। तो अभी निकाली हूँ बीफ शैंक, इसकी बना रही हूँ निहारी। ओहो कैसा अच्छे से चला गया। और ये भिगा दी हूँ राइस निहारी के, ये निहारी के लिए राइस। तो यहाँ कट कर रही थी प्याज क्योंकि बिरिस्ता हो गया ख़त्म, और निहारी के लिए लाइक मुझे बिरिस्ता होता है तो ही मुझे खाना पकाने का बहुत सुकून होता है, और अगर प्याज काटना पड़ता है तो मैं इसमें ही कट करती हूँ क्योंकि हाथ से कट करने बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है और आंखें भी बहुत जलती है। इसमें भी कट करो तो छुरी से जब काटना होता है जब तो जलती ही आंखें, फिर भी मैं जब कुकिंग करती हूँ तो मैं सब मसाले ऐसा सब निकाल के रेडी करके रख देती हूँ कि इजी पड़े हुए, क्योंकि फिर एक एक चीज़ एक एक डब्बे और ये सब निकालो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो एक साथ सब मसाले निकाल के फिर मैं कुकिंग के लिए खड़े हो जाती हूँ। और आज निहारी का मसाला मेरा हो गया था ख़त्म, तो मैं सब घर के मसाले भी डाली थी और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर डाली थी, और निहारी का मसाला थोड़ा सा था तो वो भी निकाल ली थी, और सौंफ के पाउडर से तो निहारी में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है तो उसको मैं डाल दी थी थोड़ा। प्याज का बिरिस्ता नहीं था तो मेरी आईज किसी जल रही है, आप लोग को दिख रहा होगा आंखें इतनी जल रही है, प्याज कट करना बहुत भारी पड़ता है, जबकि ये चॉपर इतना बेस्ट है कि इसमें डालो और फटाफट हो जाती है, बट फिर भी आईज आंख में मतलब मेरी जलन रहती है। मैं आईज बोल रही जो भी आईज और आंख जो भी एक ही सेम ही बात है, बट अभी मैंने प्याज चढ़ा दी हूँ बस, फिर उसके बाद अभी डालूंगी इसमें गोश्त ये वाला और ड्राई मसाले सब डाल। बस फिर प्याज डालो गई थी और हरा मसाला और गोश्त मैंने डाल दी थी, फिर अच्छा भुने गया तो ड्राई मसाले भी डाल दी थी, और निहारी फटाफट हो गई थी माशाल्लाह, और चावल भी फिर मैंने चढ़ा दी थी एक गैस पे। ओके सो अभी खाना वाना सब चढ़ गया है, निहारी भी चढ़ गई है, चावल भी चढ़ गया, अब मुझे करना है किचन की क्लीनिंग। आपको तो दिख रहा होगा ये साइड मेरा कितना गंदा है, मैं ये साइड मेरा क्लीन ही रखती हूँ जब कुकिंग करती हूँ, तो ये साइड सब क्लीन कर लेती हूँ, सब यहाँ के सामान यहाँ रख देती हूँ, फिर ये होने के बाद कुकिंग का हो जाता है सब, फिर यहाँ क्लीनिंग करती हूँ और फिर बर्तन को डिश वॉशर को खाली करती हूँ। बस ये दिन के नेक्स्ट डे मेरा डिश वॉशर एकदम खराब हो गया था, लाइक उसमें पूरा पानी भर गया था, तो मैंने सर्विस के लिए बुलाई थी बट आए नहीं। नहीं तो हो गया है किचन भी क्लीन और अभी कुकिंग भी होने आई है, राइस तो होने आया लगभग, और निहारी भी थोड़ी देर में हो जाएगी, और सब क्लीनिंग भी हो गई, सब काम हो गया, मैं सब काम डन कर ली फटाफट, अभी कुकिंग भी हो जाएगी, और वैसे भी बच्चे लोग कभी खाएंगे नहीं, फिर भी चलो हो जाएगी तो मेरे को टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं आराम करूँगी। फूजी चिकन, ओके फूजी चिकन, नो हागी नो हागी, व्हाट व्हाट, नो गोदी नो नो गोदी, यू गो आउटसाइड, आई एम कमिंग, गो आउटसाइड, कम कम, आई विल ड्रॉप यू आउट, कम कम ड्रॉप यू आउट, गो प्ले विद नामा ने नानी, गो कुछ खाने को, कुछ खाने को। तो बस यहाँ खाना भी डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिए थे। एमन की न्यू सैंडल तो अपने बता ही नहीं थे, दिस इज एमन न्यू सैंडल, वाह अच्छा, आई विल टेक इट, टेक इट, आई गॉट, आई गॉट। तो बच्चे अभी उतरे हैं नीचू, जरा रेन एमन लग सब उतरे हैं नीचे, और खाना वाना सब डन हो गया, और मैं अभी करती हूँ थोड़ा सा आराम, बच्चे लोग नहीं है तो थोड़ा सुकून से बैठती हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। तो हुरेन ने भी थोड़ी सी वीडियो मेरे लिए बना ली थी जब नीचे उतरे थे लोग। So, hi. Where is you? Where are you going? Fana. Flower. It's a tree, baby. Tree. Tree. Yeah. Do you like the slippers? You like flowers? No hug, baby. You can't touch it. बस फिर बच्चे लोग आ गए थे थोड़ा घूम के, और यहाँ नुमान गेम खेल रहा था, और अहमन और हुरैन अंदर चले गए थे नैप लेने के लिए। हो गई अभी असर की नमाज मेरी डन, और मैंने थोड़ा सा फेस वॉश करके अभी मैंने थोड़ा सा मेरा ऑरेंज वाला ऑयल लगा ली हूँ, बहुत टाइम बाद लगाई, वरना मैं नहीं लगा रही थी कितने टाइम से, तो मैं चलो आज लगा लूँ, जो मैंने ऑरेंज ऑयल घर में बनाती हूँ आप लोग को बताई थी। सो अभी थोड़ा सा ऑयल लगा दी हूँ और थोड़ी सी मसाज कर ली फेस वॉश करके, अब वेट कर रही हूँ मगरिब का, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, और अभी बच्चे लोग तो अंदर हुरैन और अहमन अंदर नैप ले रहे हैं, और तो गाइस लोग यहाँ खत्म होता है, फिर वाला आ गई नहीं ब्लॉग में, और आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।